कोहली क्रिकेट का बाप है यार, क्या बातें कर रहे हैं भाई। ट्रॉफी लाया, मैं तो ट्रॉफी का नहीं बोलते, कोहली लाओ से कोहली का बाप जवाब दे, बीसीसीआई जवाब दे, मैं कोहली का तर्जुमा कर रहा हूं। अजीब बात कर रहे हैं यार, कोहली की ट्रॉफी लाया बाप ने आपको क्या लागे दिया, क्या कह दिया, लागे दिया मुझे बताया क्या नाम है, पूछा। अरे अभी आप इरफान पठान को बनवाने के चक्कर में मुझसे लग रहा है कोहली की ट्रॉफी, आप मुझे ये कह रहे हैं कोहली क्या लेकर आए, कोहली 4 साल तक नंबर 1 लेकर रखा है, नहीं 65000 रन मारे में इंटरनेशनल, 65000 रन भैया मेलबर्न में मारा, जैसे बाबर आजम भी तो मार कर आया, नेदरलैंड तक तो मारे नहीं जा रहे, मार कर आया 257 उससे चेंज नहीं हुए, क्या बातें कर रहे हैं यार। आप अपने प्रोड्यूसर से पूछिए, आप पिछले 6 मैच जो खेलते हुए आ रहे हैं, आपने 45 रन नहीं मारे अभी तक पावर प्ले में, मैं बताऊं आपने 33 मारे बांग्लादेश पे, 37 मारे श्रीलंका के ऊपर, 43 मारे नेपाल पे, जिनसे बाबर आज की 150 आज की बात हो रही है, आज की बात करो ना यार, आज की उसके नाम पे रांची आ रहा है, उसकी जीत नजर आ रही है, वाह आप क्या गुजर रहे भाई, इनसे तो चलता ही रहेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तानियों को एक बड़ी चुल रहती है कि बाबर आजम से तुलना विराट कोहली से करने की। मैं अगर आपको बाबर आजम का एक स्टैट बताऊं तो बाबर आजम ने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पिछली 17 इनिंग में 12 का एवरेज है उनका, और अगर वो नेपाल के खिलाफ उनकी खेली गई पारी निकाल दे जो उन्होंने एशिया कप में खेली, तो उन्होंने केवल 12 के एवरेज से रन बनाए हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में। और अगर आपको मैं विराट कोहली की बात बताऊं तो विराट कोहली का अभी मैं एक स्टैट देख रहा था, उन्होंने लगभग सभी देशों के खिलाफ और सभी देशों में जाके 50 का एवरेज मेंटेन किया है, क्योंकि इंग्लैंड का अगर छोड़ देता हूँ, इंग्लैंड का खिलाफ शायद उनका 44 का है, बाकी अगर आप न्यूजीलैंड में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, उनको 50 का प्लस एवरेज है हर जगह पे, यहाँ तक कि सबसे कठिन जगह खेलने के लिए माने जाने वाले साउथ अफ्रीका में भी उनका 54-55 का एवरेज है। तो अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उनका कल के आया बाबर आजम से तुलना कर रहे हैं। विराट कोहली लगभग सचिन का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पे हैं, और आप कह रहे हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर है या बाबर आजम विराट कोहली के जैसा है, तो ये पूरी तरह गलत है। आपकी क्या राय है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो को देखते तो हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। नंबर वन रहा, हमने मान लिया बगैर ट्रॉफी के नंबर वन रहा, मैंने हरका से एक सवाल पूछ लिया, जसारत कर ली, पूछा भी नहीं भाई, कोहली नंबर वन रहा, कितनी ट्रॉफी लाया, आईपीएल मैच था, एक ट्रॉफी नहीं जीता, नंबर वन वो भी रहा, उसके लिए रूल और डिफरेंट अलग है, पैरामीटर्स अलग है, उसके लिए यह हालत हो जाती है अगर पूछ लो तो। पसंद की बात है, बट चले हम ये देखें, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, द गुड थिंग इज दैट पाकिस्तान हैज वन दिस मैच, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह हमारे लिए, पूछ लो ना, गुड थिंग है, नहीं नहीं कोई गुड थिंग नहीं, ये मुझे पता था, ये जवाब है, जब जब नाकामियां जाएंगे पूरी क्रिकेट में मातम करते हैं, नाकामियां छुपाएंगे आप लोग, गालियां खाते रहेंगे, बैड थिंग क्या है, क्या बैड थिंग, ये कह रहे हैं गुड थिंग पाकिस्तान मैच जीता, मैंने पूछ लिया आपसे, बैड थिंग क्या है, ये तो बोले सर, ये तो बोले कि गुड थिंग है लेकिन ये गलतियां, आप तो लेने, इट्स नॉट अ गुड थिंग, रिजवान ने वही रन मारे सरकारी अपने, अबे भैया वही उसका मैच में आ रहा है रिजवान, वही 80-90 का आज पहली पड़ता में देख रहा हूँ, हार जाना अच्छा था, आज यार 400 रन की लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हैं माइंडसेट, 300 के टूर्नामेंट है, सारे जज्बात आज निकाल देंगे तो आगे क्या, जब जब पाकिस्तान जीतेगा ऐसी जज्बात है, देखो देखो नो बडी सेइंग कि पाकिस्तान की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी, कोई नहीं कह रहा कि जी गुड थिंग तो है ना, जीत गया पॉइंट्स तो मिले, अब ये बात कह रहे हैं कि सरकारी रन भाई तो वो नहीं करेगा तो कौन, हरीश रऊफ रन करेगा, रिजवान खेल रहा है रन करने के लिए, रन किए सऊद शकील जिस वजह से भी खेल रहा है, रन किए भाई, आप अपना मैच देखें, आपकी टीम जीती, हाँ आपकी बैटिंग बेहतर हो सकती थी, आपने टॉप ऑर्डर में फखर जमान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फखर जमान का हमारा एक बहुत बड़ा इशू है,
है जो हमें रिजोल्व करना है कि क्या वो ओपन करता रहे या नहीं करे, ऐसे मसलों पर डिस्कस करें। बट यू नो ये डिस्कस करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस गुफ्तगु में नहीं हो सकी, वो थी आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से एशियन गेम्स का सेमीफाइनल हार गया। और ये है असल कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त तक कहां जा रही है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया। हम आपको इसकी समरी भी स्क्रीन पर दिखाएंगे, उधर एफए भाई से भी पूछेंगे, एफए भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया सेमीफाइनल। भैया मैंने अली आपको इससे पहले भी कह चुका हूं, ये अपने लड़कों को नजर से दूर होने ही नहीं देता। हां सुन लेना यार, अजीब बात, हैदर अली वहां खेल रहा है, उस्मान कादिर वहां खेल रहा है, खुश दिल शाह वहां खेल रहा है, आसिफ अली वहां खेल रहा है। अबे सारे तो तुमने कबीले के भर के रखे हैं, यहां खेल हो जाओ तो नजरों से दूर ना जाओ, नजरों के सामने ही रहो ताकि अगर मुझे जरूरत पड़े तो पहले तुम्हें ही बुलाऊं मैं। यार ये कोई कमाल है, देख ले आपको मिल गई जिल्लत। ये तो बात सही है, यहां तो मैं एग्री करूंगा फिर वजह के साहिब अय्यूब नहीं जा रहा, आजम नहीं जा रहा, टी20 क्रिकेट में नहीं जा पा रही है। आपसे एक सवाल हो गए फौरन, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये टीम को बाबर आजम चूज कर रहा है, पूरे सेलेक्टर है, पूरी टीम है, पूरी दुनिया है, आपकी टीम पाकिस्तान की जो वहां खेली है उसको सेलेक्टर्स ने चूज किया।